पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले इंदौरा चौक पर बीती रात आरोपी मोहम्मद आसिफ खान उर्फ मुन्ना पटेल नामक व्यक्ति ने खुद को पत्रकार बताकर हफ्ता वसूली की आड़ में बार में तोड़फोड़ किया, जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज होती इस फर्जी पत्रकार को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू की गई है। पंचमौली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बीती रात आरोपी मोहम्मद आसिफ खान उर्फ मुन्ना पटेल नामक व्यक्ति ने खुद को पत्रकार बताकर हफ्ता वसूली की आड़ में बार में तोड़फोड़ की, जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज होते ही इस फर्जी पत्रकार को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू की गई। गौरतलब रहे कि इस मामले में आरोपी मुन्ना पटेल पर नागपुर के शहर के बाहर भी इस तरह की धोखाधड़ी मारपीट के मामले दर्ज हैं। शुक्रवार की रात भी वह इंदौरा चौक स्थित कमल बियर बार पहुंचा, जहां खुद को एक्साइज डिपार्टमेंट का पत्रकार बताकर 30,000 रुपये हफ्ता वसूली की मांग की और एकाएक बार के मैनेजर गगनदीप सिंह इनके साथ हाथापाई शुरू कर दी, जिसकी शिकायत फिरियादी ने पांचपावली थाने में की। कमल बार एंड रेस्टोरेंट इंदौरा चौक, यहाँ दिनांक 13/1/2023 के रात 10 बजे इसमें का आरोपी जो खुद का नाम मोहम्मद आसिफ खान पटेल बताता है, हालांकि इसके जो इसने कार्ड बनाया है इंडिया टुडे पुलिस न्यूज का, वो कार्ड में उसका एमए पटेल नाम है और इसके ऊपर इसके पहले भी अलग अलग पुलिस स्टेशन में अलग अलग नाम बता के गुन्हे दाखिल है। इसने कल रात 10 बजे इंदौरा चौक के कमल बार में जाके वहाँ के काउंटर पे बैठे हुए गगनदीप हरविंद सिंह तलवार को मुझे हर महीना 30,000 रुपये हफ्ता देना पड़ेगा, ऐसा कह के धमकाया और बाद में उसने पैसे देने को मना किया तो उससे हाथापाई की और मारपीट की। उसके बाद पुलिस स्टेशन में आके उसके खिलाफ गुना दाखिल किया गया है, आगे गुने की छानबीन चालू है और हमने जब इसका रिकॉर्ड पूछताछ की तो सदर में इसके खिलाफ 4 गुने दाखिल है ऑलरेडी, शांतिनगर में 22 में इसके पहले भी 384/85 का गुना दाखिल है और वहाँ उसका असली नाम मुश्ताक अहमद खान पटेल उर्फ मुन्ना पटेल ऐसा निष्पन्न हुआ है। आपको बता दें कि मोहम्मद आसिफ खान उर्फ मुन्ना पटेल बिना डर के अपने आप को पत्रकार बताकर लोगों से इस लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश करता था, जिसकी शिकायत शांतिनगर सदर थाने में भी दर्ज है। बावजूद इसके आए दिन इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, इससे पुलिस पर भी कई सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में क्या एक्शन लेती है। NBC न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।